morning to all of you. Myself Manisha Patel, assistant professor in Imla Vidyalaya. Dear student, in previous lecture we have to discuss sum number 9. Okay, today we have start new topic, Deal Credit Commission. In this chapter, what is Deal Credit Commission? Let's see. Generally, commission is allowed to the consignee on the gross sales proceeds. The consignee does not undertake any responsibility for bad debts in case of credit sales, but the consignor does not know anything about the financial position of the customer who purchased on credit from the consignee. Okay? Deal Credit Commission क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. आपको ये पता है, आपने आगे के जो लेक्चर है उसमें तीन लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए थे इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनमेंट. ठीक है, कंसाइनमेंट बुक साइंड ऑन कंसाइनमेंट देन कंसाइन अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको ये पता है कि हम जब भी सेलिंग करते हैं तो उसके बेस पे हम लोग उसको कमीशन देते हैं, उसको हम लोग जनरल कमीशन बोल सकते हैं. ये है, इसका नाम है डील क्रेडिट कमीशन. डील क्रेडिट कमीशन यानी एक्स्ट्रा कमीशन, एडिशनल कमीशन. यानी सपोज इजीली लैंग्वेज में आपको बता दूं, सपोज आप लोगों ने कुछ भी ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन किया है, उसको सेलिंग के लिए दूसरी कंट्री या कहाँ भी दिया है किसी एजेंट को, ठीक है, कंसाइन को दिया है, और उसको बताया कि आप जितना भी सेलिंग करेंगे उस पर मैं 5% 10% 2% कमीशन पे करूँगी. ठीक है, तो जितना भी उसने सेलिंग किया है मैं आपने जनरल कमीशन पे करूँगी. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, जब आप सेलिंग करने जाओ जो कंसाइन है वो तुरंत उसका सेल नहीं होता प्रोडक्ट का, तो फिर आप जो भी कंसाइनर एजेंट उसको आप बोल सकते हो कि तुम क्रेडिट सेल्स कर सकते हो. ठीक है, क्रेडिट सेल्स पे क्या होता है, हमारा ही कोई रिलेटिव है, हमने कोई प्रोडक्शन किया है उसका सेलिंग करना, हमारा कोई रिलेटिव आया उसके पास पैसे नहीं है, तो हमने उसको बताया कि ठीक है तुम अभी जो भी तुम्हें परचेस करना है जो भी लेना है ले लो, बाद में तुम पैसे दे देना. ठीक है, तो हुआ ना क्रेडिट सेल्स. ठीक है, तो क्योंकि मुझे उस पर वो कस्टमर है, मेरा रिलेटिव है, कुछ भी उस पर मुझे ट्रस्ट है, मैं उसको जानती हूँ, तो मैंने उसको जो भी क्रेडिट्स पे सेल्स किया है पता है कि वो मुझे वापस पैसे दे देगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो गुड्स एजेंट को दे रही हूँ आउट ऑफ कंट्री में, उसके किसी भी जो भी कस्टमर है उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं पर्सनली उसको जानती नहीं, और इसी बेस पे अगर मैं क्रेडिट सेल्स करना चाहती हूँ तो मैं कंसाइनी को बोल सकती हूँ, लेकिन कंसाइनी ऐसा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होती. तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ के जैसे कंसाइनी एग्री भी हो जाए मेरा सेलिंग की प्रोसेस जो भी है सेल्स ज्यादा तो ज्यादा हो सके जल्दी. ठीक है, तो फिर मैं कंसाइनी को एक ऑफर करूंगी. ऑफर में क्या करूंगी, मैं उसको बताऊंगी तू जितना भी सेलिंग करेगा उस पर मैं तुझे 5% जनरल कमीशन दूंगी. ठीक है, जो मैं दे रही हूँ रेगुलर. लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स तूने किया तो उस पर मैं तुझे डील क्रेडिट कमीशन पे करूँगी.
डिफरेंटेड कमीशन यानी एडिशनल एक्स्ट्रा कमीशन पे करूंगी। हाँ, लेकिन एक मेरी कंडीशन है, मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन डिफरेंटेड कमीशन पे कर रही हूँ क्रेडिट सेल्स पे, अगर कुछ भी हुआ, कुछ बैड डेब्ट्स हुए, कोई भी कस्टमर ने तुझे पैसे नहीं दिए, बैड डेब्ट्स हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं तेरी, ठीक है। मैंने एजेंट को तो बता दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तेरी है। मैंने तुझे उसका चार्ज पे किया है, एक्स्ट्रा कमीशन मैंने पे किया है, किसका, क्रेडिट सेल्स का। अभी तुझे पता होना चाहिए क्योंकि कंसाइनी वो सभी एजेंट को जानता होगा, उसको पहचानता होगा, तो उसको भी पता है कि मुझे किसको बेचना है, किसी कस्टमर, कौन से कस्टमर पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। इसलिए उसके वो ट्रस्ट करके किसको बेचता है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, ठीक है। तो उसके बदले में मैं उसको एक्स्ट्रा कमीशन, एडिशनल डिल क्रेडिट कमीशन पे करूँगी, तो उससे हम उसको हम बोल सकते हैं डिल क्रेडिट कमीशन। समझ में आया आपको डिल क्रेडिट कमीशन यानी? फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। जनरली कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी ऑन अ ग्रोस सेल्स प्रोसीड, द कंसाइनी डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैड डेब्ट्स इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स। कंसाइनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती जो क्रेडिट सेल्स पे वो सेलिंग कर रही है उस पर, बट द कंसाइनर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द कस्टमर हु परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द कंसाइनी। और कंसाइनर जो है उसको भी पता नहीं है कि ये जो क्रेडिट सेल्स करेगा उसका जो कस्टमर है उस पर वो ट्रस्ट करे या ना करे, ठीक है, वो सिर्फ कंसाइनी ये जानता है। तभी हेंस द कंसाइनर वुड लाइक टू सीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंसाइनी। तो इसी सिचुएशन में कंसाइनर क्या करता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसाइनी को देता है। उसको पता है कि मैं ये कस्टमर को, आउट ऑफ स्टेट जो कस्टमर है वो मैं इसको नहीं जानता, तो मैं कैसे क्रेडिट सेल कर सकता हूँ। लेकिन जो कंसाइनी को मैंने जितने भी गुड्स दिए हैं वो गुड्स कंसाइनी को मैं बेचने को बोल रही हूँ, उसमें मैं कमीशन दे रही हूँ, लेकिन क्रेडिट सेल्स उसको मैं बताऊँ कि क्रेडिट सेल तू कर सकता है, ठीक है, उस पर मैं तुझे डेल क्रेडिट कमीशन पे कर सकता हूँ, तो वो इजीली वो कंसाइनी अपने सेलिंग कर सकती है क्रेडिट बेस, क्रेडिट सेल्स के बेस पे, ठीक है। और वो कंसाइनी जानती है, वुड लाइक टू सीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंसाइनी हु इज इन टच विद द कस्टमर। और कंसाइनी जितने भी कस्टमर उसके टच में होती है, एंड एक्स्ट्रा कमीशन इज अलाउडेड फॉर द अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपको पता है ना, जितना भी अंडरटेकिंग रिस्क, सपोज कि बैड डेब्ट्स हुआ तो उसका जो रिस्क होता है वो अराइजिंग हो सकता है, तो उसके किसके बेस पे, क्रेडिट सेल्स के बेस, क्रेडिट जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसके बेस पे अगर कोई बैड डेब्ट्स हुई, कुछ भी रिस्क हुआ, तो वो कंसाइनी इजीली हैंडल कर सकती है, वो खुद पे कर सकती है, उसके बेस पे हम लोग टर्म्स रखते हैं उसको डील क्रेडिट कमीशन, ठीक है ना। देख लो, दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज टर्म एज डील क्रेडिट कमीशन। When deal credit commission is allowed to the consignee, he pays the full amount of credit sales and bears the bad debts if any. In such a case, no entry is passed for bad debts in the books of the consignor. Okay? जो मैंने explain किया था वही ये book में लिखा है। समझ में आ गया consign? देखते हैं यहाँ पे। When deal credit commission is given to the consignee on a credit sales, if the customer who gave goods on a credit become insolvent, in this situation bad debts is not recommended into consignment account. ये जो मैंने नोट लिखी है, ये जो हम लोग सम जब भी काउंट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसमें ये काम करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया डील क्रेडिट कमीशन क्या है, इसका पॉइंट कंप्लीटली आपको पता चल गया।
फिर से बताऊंगी, ठीक है। ये डील क्रेडिट कमीशन कहाँ पे लिखना है, आप जब भी तीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट और कंसाइनी का, तो उसमें आप कमीशन की एंट्री करते हैं ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड कमीशन की एंट्री और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड में। आप लोग कमीशन क्या करते हैं, जितना भी सेलिंग हुआ टोटल सेलिंग उसका 5% 3% 2% कमीशन करते हैं। वो कमीशन तो आएगा ही, लेकिन अगर एग्जाम्पल सपोज की यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा सम्स दिया है और उसमें ऐसा पॉइंट दिया है, जनरल कमीशन 5% और डील क्रेडिट कमीशन 2%, तो आप क्या करेंगे, तो आपका जितना भी सेलिंग हुआ उसका 5% आप सपोज की 9 लाख 10 लाख सेलिंग हुआ तो उसका 5% कमीशन जनरल कमीशन हुआ, वो डेबिट साइड कंसाइनमेंट में और कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि डील क्रेडिट कमीशन 2%। डील क्रेडिट कमीशन किस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ओनली क्रेडिट सेल्स पे। क्रेडिट सेल्स दिया है तो उसमें हम लोग उसका 2% करके कमीशन का काउंट करेंगे और उसी एंट्री उसी तरह से लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड। सपोज के एग्जाम्पल में क्रेडिट सेल्स ही नहीं दिया हो तो फिर आप लोग टोटल जितना भी सेलिंग हुआ उसमें ये डील क्रेडिट कमीशन काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, दो बातें याद रखनी है आपको, ये सब इसमें नहीं पढ़ना, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एग्जाम में डील क्रेडिट कमीशन आया तो क्रेडिट सेल्स पे ही आप कैलकुलेट करना, अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया तो टोटल सेल्स पे कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते, आज हम लोग सम नंबर 8 सोनपान और धनपान लिमिटेड उसका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टाइम हुआ तो हम लोग सम भी देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट फॉर्मेट बना देते, ठीक है। अभी सम नंबर 8 उसमें देख लेते हम, सोनपाल ये देख लो, सोनपाल ऑफ सखेड़ा कंसाइड 10,000 लीटर ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोलका एट द पोस्ट प्राइस ऑफ ₹10 पर लीटर। फर्स्ट समय देखना है यहाँ में, इसमें कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। कंसाइनर है सोनपाल और कंसाइनी है धनपाल, यानी कि 10,000 लीटर ऑयल सोनपाल ने कोस्टिंग ₹10 धनपाल को सेंड किया है, तो टोटल अमाउंट कितनी प्रोडक्शन की उसने सेंड की है बेचने के लिए, 10,000 × 10 इज इक्वल टू 1 lakh rupees। 1 lakh rupees का सोनपाल ने धनपाल को गुड्स सेलिंग करने के लिए दिया है, ठीक है। फर्स्ट हमें यह याद रखना है। सेकंड, सोनपाल यानी कंसाइनर उसने ये 1 lakh rupees का जो भी गुड्स सेलिंग करने के लिए दी उसमें 1,500 फॉर फ्राइट, 10,500 फॉर इंश्योरेंस वाइल सेंडिंग द गुड्स। गुड्स सेंड करने के लिए 1,500 + 500 यानी ₹2,000 उसने गुड्स के साथ साथ एक्सपेंसेस किए, यानी ये एंट्री कहाँ पे आएगी, कंसाइनर के एक्सपेंस की एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड कैश बैंक अकाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोनपाल ड्रू अ बिल 3 months फॉर 50,000 ऑन धनपाल, ड्रू अ बिल एक्सेप्टेड आफ्टर 1 month, देन सोनपाल डिस्काउंटेड दिस बिल इन द बैंक एट द रेट ऑफ 80% पर एनुअल। ये जब धनपाल कंसाइनी है धनपाल, उसने एडवांस में 50,000 का बिल्स यानी चेक दिया है, बिल्स दिया है किसको, सोनपाल को आगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।
उसमें 50,000 का यानी इसकी एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड आफ्टर 1 मंथ 80% डिस्काउंटेड। देख लो 1 मंथ के बाद डिस्काउंटेड कर रहा है, यानी 3 मंथ का चेक मेरे पास होता, सपोज कि 3 मंथ का बिल्स या चेक मेरे पास होता और मैं 1 मंथ के बाद डिस्काउंट करती हूँ तो मेरा लॉस यानी डिस्काउंट कितना होता है, 2 मंथ का ही होता ना, क्योंकि 1 मंथ मेरे पास तो ऑलरेडी रहा है वो बिल्स, उसके बाद मैंने डिस्काउंटेड किया है, यानी कि 2 मंथ का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड किया है। ठीक है, तो 2 मंथ का 50,000 इंटू 2/12 इंटू 80% यानी इसका जो भी आएगा वो डिस्काउंटेड होगा। देन नेक्स्ट, इसके बाद धनपाल इज एंडिटेटेड टू जनरल कमीशन एट रेट ऑफ द 5%, देन टोटल सेल्स एंड डिस्क्रेडिट कमीशन एट रेट ऑफ द 2% ऑन अ क्रेडिट सेल्स। देख लो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था आपसे, क्रेडिट सेल्स डिस्क्रेडिट कमीशन आ गया, इसकी एंट्री होगी यानी हमारे पास जो टोटल सेल्स होगा उसका हम कितना परसेंट करेंगे, 5%, और 2% हम लोग क्रेडिट सेल्स पे कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धनपाल ने ये सब बताया है। फर्स्ट, देयर वॉज लॉस ऑफ 50 लीटर ऑयल ड्यू टू नेचुरल केसेस, यानी बीच रास्ते में यहाँ से मैंने जितने भी 10,000 लीटर ऑयल सेंडिंग द गुड्स भेजे थे सेलिंग करने के लिए, बीच रास्ते में 50 लीटर ऑयल्स ड्यू टू नेचुरल केसेस यानी नेचुरल एक्सीडेंटली लॉस हुआ है 50 लीटर ऑयल का। ठीक है, यानी ये नॉर्मल लॉस है। देन सेकेंड नंबर, देयर वॉज लॉस ऑफ 100 लीटर ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन अ ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹800। और ये जो लॉस है 100 लीटर ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन अ ट्रांजिट, यानी बीच रास्ते पे मुसाफरी यानी हम लोग जो कर रहे थे उसमें चोरी हुआ, थेफ्ट। ठीक है, इन दौरान 100 लीटर ऑयल का डैमेज हुआ है, ये कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है ना, जब भी कुछ हमारी गलतियों से होता है तो एबनॉर्मल लॉस है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है, और ड्यू टू नेचुरल कॉजेज कुछ भी लॉस होता है तो वो नॉर्मल लॉस गिनाया जाता है। ओके, ही पेड ₹1970 वाइल टेकिंग डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स और द सेल्स एक्सपेंसिस 1745। ये दोनों एक्सपेंसेस नॉन रिक्यूरिंग और रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है, ये कंसाइनी ने पे किए हैं। इसके बाद ही सोल्ड 5,000 लीटर ऑयल एट द रेट ऑफ ₹70 पर लीटर टू गरीब दास, ही सोल्ड 60 लीटर कैश एंड परचेज 25 x 60 फॉर दिस पर्सन। ये सब सेलिंग है, ये सेलिंग की एंट्री है, ये सब सेलिंग हमें करना है, इसकी एंट्री हम लोग जब भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तीनों अकाउंट उसमें देखेंगे सेलिंग केस। गरीबदास वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट आफ्टर हैविंग रिकवर्ड ₹80,000 एट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू पॉइंट है। देख लो, गरीबदास बिकम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, यानी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको हमने क्रेडिट सेल्स पे सेलिंग की होगी, ठीक है, उधार पे माल बेचा होगा, उसी दौरान गरीबदास होगा वो नादा यानी इंसॉल्वेंट, उसको हमने बताया है इंसॉल्वेंट, 80,000 रुपीज रिकवर हुए हैं, यानी 85 रुपीज का हमने क्रेडिट सेल्स किया था, इसमें 80,000 रुपीज हमें रिकवर हुए हैं, बाकी के जो पैसे थे वो बैड डेट्स से। एज नथिंग वॉज रिकवरेबल आउट ऑफ द बैलेंस मनी ड्यू फ्रॉम हिम द सेड अमाउंट वॉज रिटर्न एज बैड डेट्स, पर जितना भी नहीं मिला वो बैड डेट्स, यानी इस समय बैड डेट्स है या नहीं, आएगी या नहीं आएगा, वो हम जब भी अकाउंट कैलकुलेट करेंगे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब तक देख लेंगे। अभी हम ओनली क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। देख लो,
फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर लीटर्स देन रुपीस. ओके फर्स्ट हम लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है तो देख लो यहाँ पे सोनपाल ऑफ सेकड़ा सखेड़ा 10,000 लीटर ऑयल धनपाल को दे रहा है. 10 लीटर यानी 1 लाख रुपीस का हुआ और उसके साथ साथ 1500 प्लस 500 2000 का एक्सपेंसेस पे किया. तो हम लोग ये लिखेंगे फर्स्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1500 प्लस 500 कितना हुआ 2000. फर्स्ट यहाँ पे गुड सेंड किया 10,000 लीटर ऑयल था वो लिख लिया 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपीस का यहाँ से मैंने गुड सेंड किया वो. ओके सेकंड नंबर है कंसाइनर्स टोटल एक्सपेंसेस. कंसाइनर टोटल एक्सपेंसेस यानी 2,000 रुपीस है ना 1500 प्लस 500 2000 रुपीस तो वो भी हमने लिख लिया. एक्सपेंस लीटर ऑयल में नहीं आएगा कुछ भी. 10,000 ऐसे कैसे निकाल लिए 1 लाख प्लस 2000 इसलिए 1 लाख 2000 रुपीस. ओके अभी थर्ड नंबर में हम लोग लेस नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस यानी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम करेगी वो और जो हमारे वजह से हुआ यानी चोरी हुई कुछ फायर हुआ आग लगी ऐसा कुछ हुआ तो एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉजेस. ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा ये देख लो आप लोग फर्स्ट नंबर का पॉइंट लॉस 50 लीटर ऑयल ड्यू टू नेचुरल केसेस 50 लीटर ऑयल नेचर को यानी नॉर्मल लॉस और 100 लीटर ऑयल ड्यू टू थेफ्ट यानी चोरी हुई. ठीक है वो एबनॉर्मल लॉस है उसमें देखो इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपीज का क्लेम किया है तो हमें ये देखना है लिख लेना है पहले क्या लिखा है. नॉर्मल लॉस में लिखना है 50 और एबनॉर्मल लॉस में लिखना है 100. ओके 50 के सामने रकम नहीं आएगी अमाउंट नहीं आएगी लेकिन ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है कि हमने कितना लॉस किया और इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों अमाउंट टेक्स्ट बुक में दी है तो हम लोग इक्वेशन रखेंगे. कैसा इक्वेशन रखेंगे अगर 10,000 लीटर ऑयल था तब कितना लॉस हुआ 1 लाख. टोटल 10,000 लीटर ऑयल था तब हमने 1 लाख 2,000 रुपीज का टोटल मेरा गुड्स हुआ. उसके सामने 100 लीटर ऑयल मेरे बीच रास्ते पे इतना डैमेज हुआ इतना लीटर ऑयल तो मुझे कितना लॉसेस हुआ वो देखना है. तो मैं इक्वेशन कैसे रख सकती हूँ 10,000 1 लाख 2,000 100 है कितना हो सकता है ना हम लोग कैसे इक्वेशन रख सकते हैं. तो देख लो 100 इंटू 1 लाख 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 100 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 20 1020 रुपीस इतना लॉस हुआ. इसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें कितने दे रही है 800 रुपीस दे रही है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो बाकी का जो इसमें से ये लेस करेंगे तो 220 कितना आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा. तो ये दोनों एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखानी है. ओके फिर इसमें से ये दोनों लेस किया इसमें से हमने ये लेस किया. अब कंसाइन इज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस. ठीक है नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस यानी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री जो है वो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री नहीं आएगी. तो देखते हैं यहाँ पे नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस में कौन सी है. ही पेड 1970 वाइल टेकिंग द डिलीवरी गुड रिमेनिंग द गुड्स और सेलिंग एक्सपेंस 7045 ये दोनों में से एक सेलिंग एडवर्टाइजमेंट सेलिंग गोडाउन रेट ये सब है रिक्यूरिंग एक्सपेंस जो हमें नहीं लेना और यहाँ से जो गुड्स हम सेंडिंग कर रहे हैं वो हमें लेना है आपको मैंने आगे बताया था. ठीक है इसलिए मैं स्पीडली जा रही हूँ थोड़ा यानी टेकिंग द डिलीवरी गुड्स वो आएगा 1970 वो एंट्री इसकी आएगी. ओके इसमें से हमने ऐड किया और ये अमाउंट उसी तरह से हमने नीचे निकाल ली. अभी ये दोनों अमाउंट है इसके बाद हम लोग माइनस सेलेबल यूनिट सेलेबल यूनिट्स यानी कितने प्रोडक्ट हमने बेचे वो हमें देखना है कितना ऑयल हमने सेलिंग किया है रुपीस नहीं ओनली ऑयल. ठीक है तो देखते हैं कितना किया तो देख लो ही सोल्ड 5000 लीटर ऑयल रुपीस 70 पर गरीबदास यानी 5000 लीटर सेलिंग की
उसके साथ साथ हमने 3830 उसका भी सेलिंग किया 25 लीटर में, यानी 5000 प्लस 3830 प्लस 25 तीनों का टोटल करेंगे हम लोग तो हमें 8855 इतना टोटल मिलेगा, इतना लीटर ऑयल हमने सेलिंग किया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5000 प्लस 3850 प्लस 25, ठीक है, इसका टोटल ये आएगा, इसके सामने अमाउंट नहीं आएगी। इसमें से ये लेस किया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला मुझे, 995। ओके, अब मैं इक्वेशन रख लूँगी। इक्वेशन कैसे रखती हूँ, अगर मेरे पास लास्ट में प्रोडक्ट ऑयल 9850 है, उसके सामने 10 2950 इतनी अमाउंट है, तो उसके सामने क्लोजिंग स्टॉक 995 है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट कितनी, मैं इक्वेशन रखती हूँ। देख लो, ये रहा इक्वेशन मेरा, 995 इंटू 10 2950 डिवाइडेड बाई 9850, इसका क्लोजिंग स्टॉक हुआ 10,399। ओके, इसी तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, देख लो एक बार, ठीक है, समझ में आया आप सबको कंप्लीटली। अभी जितना भी पॉइंट बाकी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, लेजर अकाउंट और बैड डेब्ट्स है और डील क्रेडिट कमीशन का वो सब, यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, थैंक यू।